उत्तर प्रदेश के बलिया के मनियर नगर पंचायत के बहेरा पार गांव में जहां घाघरा नदी में हो रहे लगातार पानी की वृद्धि के कारण बाढ़ जैसी हालत बन गई है। घाघरा नदी के पानी से कई घरों में बाढ़ का पानी भी घुस गया है। गांव में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रही है। सड़क पर बाढ़ के पानी से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग डालने सीट पर सामान लादकर बाढ़ के पानी से होकर ऊंचे स्थानों की ओर जा रहे हैं। गांव में बाढ़ के पानी घुसने से और गांव में शौचालय नहीं होने पर महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां के लोगों का कहना है कि गांव के बाहर आने जाने वाले रास्ते अवरुद्ध हो चुके हैं, जिसके कारण गांव से बाहर निकलने व विद्यालय पढ़ने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और शासन और प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी देखने नहीं आया है। स्वर्ण रानी के साथ बलिया संजय तिवारी की रिपोर्ट। जी अब क्वेश्चन पानी लागल बावे बाढ़ के का स्थिति बा गाँव के बहुत खराब बा। का भइलो बताई का पर से घिर गइल बा। बाढ़ से गांव घिर गइल बा। कितना पानी बढ़ा था दिन में? बहुत ज्यादा पानी बढ़ा था। बाढ़ से तो है मैं डूब गइल परसों से पानी चालू बा। जी का परेशानियां होता रहुआ लोग के? ये बहुत परेशानी बा। कौन कौन परेशानी? अरे ना होइए नहीं थे रास्ता। का नाम है राउर? देवेंद्र राजभर जी। कहाँ के रहे वाला बानी? हम मनेरे के है बहरा पार। ये क्वेश्चन पानी है? बाढ़ का पानी है। क्या दिक्कत होता है? कितना पानी बढ़ता है? ऐसे तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है पानी। आवे जाए में क्या प्रॉब्लम बा? और आवे जाए में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बा। और किसी के घर में लैट्रिन है नहीं है, लेडीजों को बहुत दिक्कत होता है बाहर भीतर जाने में। क्या गांव चारों तरफ से पानी से घिर गया है? चारों तरफ से गांव घिर गया है। जी जी। बच्चे पढ़ने उड़ने जाते हो कैसे जा रहे हैं? बच्चों को बहुत दिक्कत हो रहा है। कोनो संसाधन सुविधा है नहीं ना वगैरह। आप अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं गल्ला पिसवाने, गेहूँ पिसवाने। जी जी। कैसे आए? क्या यही रास्ता आप लोग का है? यही रास्ता है, हल करके पानी आ रहा है। In my soul, feel it in my soul. Never separated you and me, broken made whole.